और अगर आपको याद हो तो एक्जैक्टली exactly यही चीज़ मैंने एक वीडियो में आपको बताई थी पहले फेबर में मैंने ये वीडियो बनाया था यू एस टी स्टेबल कॉइन इज़ इट सेफ यहाँ पे मैंने आपको कॉशन किया था दोस्तों पिछले दो दिनों से टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन है यू एस टी कॉइन उसके अराउंड काफ़ी फर्ड है और अगर आप देखेंगे तो अभी यू एस टी कॉइन अपने वन डॉलर पैग से लगभग ग्यारह परसेंट नीचे गिर चुका है और कुछ घंटे पहले ये चौंतीस परसेंट नीचे था यानी कि सिक्सटी सिक्स सेंट्स पर पहुँच गया था जो वैल्यू एक डॉलर होनी चाहिए वो सिक्सटी सिक्स सेंट्स तक पहुँच गई अब ऐसा नहीं है कि यू एस टी पहली बार डी स्टेबलाइज हुआ है इससे पहले भी अगर हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो कई बार आप देख सकते हैं कि पेग से नीचे गया है यू एस टी बट इतना बड़ा यहाँ पर झटका पहली बार यू एस टी को देखने को मिला है और ये एक तरीके से टेस्ट है पूरा टेरा के लिए भी और साथ ही साथ एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइंस के लिए भी कि अगर ये टेस्ट पूरा इकोसिस्टम पास नहीं कर पाता तो पूरी की पूरी डीफा स्पेस पेस का मेजर इम्पैक्ट आगे आने वाले कुछ महीनों तक पड़ सकता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग अभी तक कोई भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन ने अपना पैग मेंटेन नहीं किया है पहली बार ऐसा मार्केट को लग रहा था कि यूएसटी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं यूएसटी जिस हिसाब से काम कर रहा है वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स की इस इमेज को चेंज कर सकता है और उसी के चलते अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप रैंक टेन पे पहुंच चुका है यूएसटी इतना डाउनफॉल होने के बाद भी अभी भी ये इसने मार्केट कैप की जो रैंक है वो नंबर टेन पे मेंटेन करी है तो इस लेवल का जो सपोर्ट है इस लेवल की जो कन्विक्शन है लोगों की यूएसटी को लेकर थी बट अल्टीमेटली जो टेस्ट ऑफ टाइम है जो बियर मार्केट यहाँ पे टेस्ट लेके आई है अगर ये क्रॉस नहीं होता तो पूरी मार्केट पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा अब टेरा लूना का अगर आप यहाँ पे लूना कॉइन देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में 52 टू परसेंट यहाँ पर डाउन है 29 डॉलर्स का चल रहा है हालांकि इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो ये 119 डॉलर तक टच किया था एक महीना पहले अब टेरा लूना को जो कंपनीज हैं जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैक कर रहे हैं जैसे एल हो गया लूना फाउंडेशन गार्ड और जम्प कैपिटल डोकवान अभी भी मार्केट को ट्रस्ट है कि इनके पास अभी इतना कैपिटल है कि ये स्टेबल कॉइन का जो पेग है उसको मेंटेन करवा सकते हैं और इसी के लिए अभी सारे के सारे जो हैं वो फायर फाइटिंग मोड में है अब यहाँ पे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हुई है ये किसी को मालूम नहीं है बट जो फड है जिसके अराउंड जो फैला है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक राइवल अटैक हुआ है एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है यूएस को को पैक करने के लिए और उसकी वजह से जो ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस हैं, उन्होंने इस आग को बेसिकली और ज्यादा फ्यूल कर दिया तो यहाँ पे कुछ इन्होंने जस्टिफिकेशंस दी हैं कि क्या ये पैक होगा क्या मेंटेन होगा कि नहीं यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस पैक को मेंटेन करने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास यूएसटी है तो यहाँ पे टेरा यूएसटी का जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करिए क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगे जहां तक रही स्टेप्स की बात तो टेरा फाउंडेशन के पास साढ़े तीन बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ कोलाट्रल है बिटकॉइन की टर्म्स में इथेरियम की टर्म्स में जिसमें से कुछ इथेरियम जो है इन्होंने सेल आउट कर दी है और वो सेल आउट करके जो कैश आई है उसे यूएसटी बाय किया गया है ताकि पैग जो है वो रिस्टोर हो सके बीटीसी को अभी तक यहाँ पे छेड़ा नहीं गया है हालांकि एक वॉलेट में ट्रांसफर हुआ था 40,000 बिटकॉइन का बट उसको अभी तक सेल नहीं किया गया है और लूना फाउंडेशन का यह कहना है कि मार्केट मेकर को वहाँ पे वो बी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि पैग को जो है वो मेंटेन किया जा सके अब आगे आने वाले एक दो दिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन प्ले आउट होती है बट फिलहाल मार्केट में पूरा पैनिक है खासकर जिन लोगों ने एंकर प्रोटोकॉल पे अपने डिपॉजिट्स किए थे यूएसटी की फॉर्म में डिपॉजिट किए थे यहाँ पे आप देखेंगे तो मैसिव विड्रॉल्स हुए हैं पिछले चौबीस से अड़तालीस घंटे के अंदर एक बार यहाँ पे अगर प्रोटोकॉल के स्टैट्स देखेंगे तो तीस बिलियन डॉलर जो की यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक थी अभी वो फिलहाल 12 बिलियन डॉलर ही रह गई है और ये और ज्यादा नीचे गिर रही है क्योंकि लोग अपने प्रोटोकॉल से फंड्स निकाल कर यहाँ पे या तो सेल कर रहे हैं जो भी अपने लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज कर रहे हैं और जब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम उस लेवल तक यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे कि मार्केट से पैनिक चला गया और जो रिटेलर्स हैं या फिर जो वेल्स हैं जो अपने यू को यहाँ पर सेल आउट कर रही हैं जब तक वो प्राइस स्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं आएगी तब तक ये पैक जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होगा आप लोगों के लिए अगर यहाँ पे फंड्स हैं आपके यू में तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि जब यहाँ पर टोटल वैल्यू लॉक जो है वो सफिशियट लेवल तक ड्रॉप हो जाती है और जो सेल ऑर्डर्स हैं वो थोड़े से कम होने लग जाते हैं उस टाइम पे पैग यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि वहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी आएगी जो कि अभी भी काफ़ी थी बट अभी उसके साथ काफ़ी बड़ा रिस्क था एक बार ये थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा मैसिव होगी और उस टाइम पे एक डॉलर के जो पैग है उसको अचीव करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे अब वो कितनी देर में होगा कितने दिनों में होगा ये कहना मुश्किल है बट जब तक ये पैनिक सब्साइड नहीं होता तब तक आपको पैग जो है वो एक डॉलर से नीचे ही देखने को मिलेगा मेरी फिलहाल यहाँ पे आज के डेट में यही राय है कि अगर आपके पास ये जो फंड्स हैं ये एक्सेस फंड्स हैं यानी कि आपको इमीडिएटली इन फंड्स की नीड नहीं है तो इनको बस होल्ड करिए और वेट करिए जब तक पैग यहाँ पे रिस्टोर ना हो क्योंकि लॉस में सेल करने का कोई फायदा नहीं होगा और अगर आपको याद हो तो एक्जैक्टली exactly यही चीज़ मैंने एक वीडियो में आपको बताई थी पहले फेबररी में मैंने ये वीडियो बनाया था यू स्टेबल कॉइन इज़ इट सेफ़ यहाँ पे मैंने आपको कॉशन किया था और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वही हमें अब यहाँ पर देखने को मिल रही हैं एक और दूसरा वीडियो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आर स्टेबल कॉइनज रियली सेफ़ ये दो वीडियोज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए और इसके साथ आपकी प्रिपरेशन भी पूरी होनी चाहिए ये दोनों ही वीडियो कुछ महीने पुराने हैं तो जो लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी उनको ये मालूम होगा बट अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनको भी जरूर देखिए तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को ज़रूर लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अ सेफ इन्वेस्टमेंट